नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मनमत बिरादार। मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हम चर्चा करने जा रहे हैं। अब वो सब्जेक्ट है कि बिजनेस आइडियाज़ फॉर एग्रीकल्चर में ड्रिप एंड स्प्रिंकलर पाइप मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। यानी LLDPE मतलब ड्रिप का जो पाइप होता है, काला पाइप, वो मैन्युफैक्चरिंग, एंड HDPE पाइप, ये मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस क्या है, ये प्लांट जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कैसे उसको मतलब हम कर सकते हैं, ये मैन्युफैक्चरिंग में हम कैसे जा सकते हैं, ये बिजनेस में हम कैसे काम कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। तो दोस्तों, इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल ड्रिप एंड स्प्रिंकलर इरीगेशन। तो एग्रीकल्चर में इस बिजनेस को बहुत स्कोप आ रहा है, क्योंकि इरिगेशन जो ट्रेडिशनल इरिगेशन है उसका रिप्लेसमेंट आज करना आवश्यक है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इरिगेशन में हम रेगुलर पानी देते हैं मतलब सभी फसलों को, तो बहुत सारा पानी हमारा वेस्ट होता है, और इसीलिए ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकल इरिगेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अवश्य बहुत अच्छा हमको उपज मिलता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, और दूसरी बात, इसमें आजकल हम उसको फर्टिगेशन भी दे सकते हैं, फर्टिलाइज़र के भी उसके थ्रू हम दे सकते हैं, तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं कि ये बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमारा मैन्युफैक्चरिंग जो प्लांट अगर उसमें हम चालू करना चाहते हैं, क्या क्या करना है हमें। तो इसमें पहला है कि जो प्रोडक्शन ऑफ माइक्रो इरिगेशन सिस्टम जो है उसमें ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, ये दो है। देखिए, ड्रिप में आप जानते हैं सब, ये ड्रिप का क्वाइल होता है, क्वाइल मतलब ये अप्रोक्सीमेट 300 मीटर का क्वाइल होता है जो रेगुलर होता है। इसका साइज अलग अलग होता है, एक 12 mm का होता है जो साइज होता है, और उसका 16 mm का होता है, और कुछ कुछ 20 mm का भी होता है। तो मैक्सिमम जो अपने इंडिया में चलता है 16 mm, 16 mm का साइज का पाइप चलता है। तो इसका एक ड्रिप का प्रोडक्शन का हम आज चर्चा करेंगे। अभी जो कैपेसिटी हमारे प्लांट की रहेगी, वो प्लांट की कैपेसिटी कितनी रहेगी, देखिए हम अभी चर्चा करेंगे कि जो 76,800 मीटर मतलब हर दिन इतना प्रोडक्शन हमको अगर चाहिए ड्रिप इरिगेशन की पाइप में, और दूसरा ये है कि 510 HDPE पाइप्स डेली का प्रोडक्शन चाहिए, तो उसके लिए अप्रोक्सीमेट क्या हमको मतलब उसके कॉस्ट लगेगा, कैसा प्लांट उसको मतलब उसको करना पड़ेगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें HDPE LLDPE पाइप्स के साथ एक्सेसरीज में ड्रिपर्स, स्प्रिंकलर नॉजल्स ये आता है, तो उसके साथ ड्रिपर और स्प्रिंकलर नॉजल का भी कंसिडरेशन हमको करना पड़ेगा। देखिए, ड्रिप एक्सेसरीज में हम चर्चा करेंगे कि अभी जो ड्रिपर है उसमें मेन होता है ऑनलाइन जो पाइप होता है, तो वो उसमें ड्रिपर रहता है, वो छोटा ड्रिपर एक होता है, बड़ा ड्रिपर होता है, उसमें अलग अलग एमिटिंग जो LPH है लीटर पर आवर्स उसका डिस्चार्ज होता है, उसके बाद में इनलाइन ड्रिप होता है, उसमें फ्लैट होता है, राउंड होता है, ये दोनों भी होती है। उसके साथ में एक्सेसरीज में फिल्टर्स होते हैं, जैसे कि ग्रेवल फिल्टर होता है, सैंड फिल्टर भी बोल सकते हैं, दूसरा स्क्रीन फिल्टर होता है, और इवन डिस्क फिल्टर भी बहुत सारे लोग उसमें यूज़ करते हैं, तो इसका हम चर्चा करेंगे। उसके साथ अभी देखेंगे ये ड्रिप लेआउट कैसे होता है। देखिए, यहाँ हम देख रहे हैं ड्रिप लेआउट जो होता है ना, तो शुरू में जो आप ओपन वेल देख रहे हैं उसके साथ जो सिस्टम है पूरा, इधर लगाया है सैंड फिल्टर, स्क्रीन फिल्टर, बाईपास वॉल, वेंचुरी, पूरा मेन लाइन, सब मेन लाइन, लैटरल से पूरा उसमें सिस्टम, ये ड्रिप का लेआउट है। ऐसे 63 mm और 75 mm, ऐसे दो इसमें आता है। एक्चुअली इसका मटेरियल HDPE होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन पाइप्स होता है, और ये आप देख रहे हैं अभी इस पिक्चर में, तो ये 75 mm का पाइप है। इसमें जो लॉकिंग सिस्टम है उसको एक दूसरे को लॉक करने के लिए पाइप के लिए सिस्टम भी यहाँ दिया है इन्होंने। तो उसके साथ देखिए नॉजल्स भी आता है स्प्रिंकलर एक्सेसरीज में, बहुत से बेंड आते हैं, तो उसको जोड़ने के लिए ये पूरा स्प्रिंकलर का एक्सेसरीज यहाँ हम देख रहे हैं। तो ये स्प्रिंकलर इरिगेशन का जो सिस्टम है, लेआउट है, आप देख रहे हैं ड्रिप के जैसे ही होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग होता है। अप्रोक्सीमेट 30 पाइप्स का ये स्प्रिंकलर का सेट होता है, अभी इंडिया में जो रेगुलर चल रहा है, सब्सिडी में चल रहा है, तो उसमें ये सेट होता है। और उसके साथ जो राइजर पाइप्स भी होता है, उसके साथ कंट्रोल वॉल होता है, और यहाँ हम देख रहे हैं अभी हम ये देखेंगे कि द पाइप एंड इट्स एक्सेसरीज आर मैन्युफैक्चर्ड बाय एक्सट्रूजन।
एंड मोल्डिंग प्रोसेस। अभी जो पाइप होता है, देखा जो लाइन होता है 16 mm का, उसका पाइप बनाने के लिए हम मटेरियल यूज़ करते हैं LLDPE यूज़ करते हैं। LLDPE का मतलब लो डेंसिटी, लीनियर लो डेंसिटी मटेरियल है, उसका हम यूज़ करते हैं पॉलीथिलीन प्रिपिलिन। तो और जो HDPE है उसका मतलब है कि HDPE हाई डेंसिटी जो मटेरियल है, हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन जो मटेरियल है उसको हम मटेरियल यूज करते हैं इसके लिए, स्प्रिंकलर पाइप्स के लिए। तो ये दोनों अलग है थोड़ा सा। देखिए रॉ मटेरियल में अभी हमने चर्चा किया, उसमें ग्रैन्यूल्स होते हैं छोटे छोटे HDPE और LDPE के, वो भी हम यहाँ देखेंगे। देखिए LLDPE जो है, LLDPE का ये ऐसा ग्रैन्यूल्स होता है वाइट कलर का, तो और ये HDPE है, ये भी सिमिलर ही होता है। और इसके लिए ये भी हम देखिए रॉ मटेरियल, द मेन सप्लायर्स ऑफ द रॉ मटेरियल जो है उसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, हल्दिया पेट्रोकेमिकल, गेल इंडस्ट्रीज, इंडियन ऑयल, ये सब उसमें रॉ मटेरियल का ये सप्लायर है अभी इंडिया में। ये द प्रपोज्ड रिक्वायरमेंट ऑफ द मेन रॉ मटेरियल, अभी HDPE पाइप और LDPE पाइप ग्रैन्यूल्स जो होता है, यहाँ हम जो चर्चा करने जा रहे हैं आज की, अप्रोक्सीमेट 730 मेट्रिक टन पर ईयर। इसमें फंक्शनल हमने ऐसा रखा है कि 10 महीना ये हमारा मतलब अप्रोक्सीमेट काम चलेगा, 10 महीना मतलब जो वर्किंग डेज है हमने उसमें पकड़ लिए हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेट वर्किंग डेज 270 होते हैं साल में, उसका 100% हमारे यूटिलाइजेशन कैपेसिटी का हमने किया, तो उसमें हमको 703 मेट्रिक टन पर ईयर का रॉ मटेरियल लगेगा। अभी फिनिश्ड प्रोडक्ट में हमें द मशीनरी हैज़ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस डिफरेंट साइजेस ऑफ पाइप्स। मशीनरी में जो पाइप होता है वो अलग अलग साइज का, जैसे हमको हमने बताया कि उसमें ड्रिप इरिगेशन में 12 mm, 16 mm, 20 mm का पाइप हम कर सकते हैं, और इसमें जो स्प्रिंकलर का पाइप होता है HDPE का, HDPE के पाइप में आप उसमें 63 mm, 75 mm, 90 mm ऐसा अलग अलग उसमें आप फिनिश प्रोडक्ट आप ले सकते हैं। तो ये दोनों का यहाँ कंपैरिजन है। और दूसरा ये है कि इसमें जो यील्ड रेशो है, जो देखिए 97 किलो का पाइप मैन्युफैक्चर हो जाता है अगर 100 किलो आप डालते हैं ग्रैन्यूल्स उसमें, तो ये अच्छा मतलब यील्ड रेशो है इसके बारे में। अभी ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या लगेगा हमको फैक्ट्री करने के लिए, फैक्ट्री लैंड, फैक्ट्री शेड, साइट डेवलपमेंट, ये सब हमको चीज़ें लगेगी। इक्विपमेंट एंड मशीनरीज में एक्सट्रूजन सेक्शन है, इंसर्शन सेक्शन है, पोस्ट प्रोडक्शन कूलिंग एंड वाइंडिंग सेक्शन है, और कॉमन फैसिलिटीज़ है, ऐसे बहुत से फैसिलिटीज़ उसमें हम ये इसमें और मशीनरीज उसमें लगेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट एक्सट्रूजन सेक्शन है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अभी एक्सट्रूजन सेक्शन में ऐसा है कि इसमें ये जो प्रोजेक्ट है इसमें हमने तीन मशीनरी लगाई है, ये तीन मशीनरी अलग अलग है। उसमें राउंड ड्रिप के लिए 50 लाख का मशीनरी आता है, फ्लैट ड्रिप के लिए 70 लाख का, HDPE पाइप्स के लिए 53 लाख का, ये इसमें मशीनरी आता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत बार ऐसे होते हैं कि कुछ लोग फ्लैट ड्रिप के लिए डिमांड करते हैं, कुछ लोग राउंड ड्रिप की डिमांड करते हैं, इसलिए हमने ये अप्रोक्सीमेट यहाँ एक केस स्टडी के मतलब मायने ये लिया है। आप उसको पंचिंग कर सकते हैं ड्रिप का, और उसके बाद में वो जो आपका पाइप रहेगा उस वो पूरा गर्म रहेगा, उसके बाद में कूलिंग एंड वाइंडिंग सेक्शन, कूलिंग होगा पानी में उसका, उसके बाद में कूल होने के बाद उसमें आप वाइंडिंग सेक्शन जाएगा, वाइंड करेगा पूरा गोल ऐसा उसका वाइंडिंग होगा, वो 300 मीटर का अप्रोक्सीमेट होगा, और कट करेगा उसमें, और वो पैक करके आपको डिस्पैचेस के लिए रेडी हो जाएगा। तो प्रोडक्शन प्लांट का हम यहाँ देख रहे हैं मशीनरी ये है, जो ड्रिप का मशीनरी हम देख रहे हैं यहाँ, तो रॉ मटेरियल यहाँ से जाता है, और उसके बाद में ये आप देख रहे हैं, और जो राउंड ड्रिप है उसमें आप ये कर इंसर्ट कर सकते हैं। ये जो यहाँ आप मशीन देख रहे हैं वाटर पाइप है, ये वाटर कूलिंग होगा, ये बाद में यहाँ लास्ट में जाके ये आपका राउंड पाइप आपका वाइंडिंग होगा और यहाँ फिनिश होगा। तो ये ऐसा प्रोसीजर ड्रिप का यहाँ ऐसे बनता है। देखेंगे कि इसमें कि प्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ HDPE पाइप, अभी HDPE पाइप जो होता है वो 63 mm होता है, 75 एंड 90 mm, तो उसमें क्या प्रोसेस है, तो ये मशीनरी उसके लिए तैयार है। तो अभी हम रॉ मटेरियल यहाँ डालेंगे, रॉ मटेरियल इसमें जाएगा, और उसके बाद में ये पाइप पूरा इसमें जो मोल्ड होके
पूरा ये बाहर निकलेगा, यहाँ पूरा वाटर पाइप रहेगा, यहाँ ठंडा हो जाएगा और यहाँ मशीन के द्वारा उसको कट होगा। अप्रोक्सीमेट 6 मीटर्स का एक पाइप होता है, स्प्रिंकलर का पाइप जो होता है, तो 6 मीटर यहाँ जाके कट हो जाएगा और ये प्रोसेस ऐसा पूरा हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग इसमें फ्लो चार्ट अभी हमने प्रोडक्शन का यहाँ हम देख सकते हैं। देखिए अभी रॉ मटेरियल जो है, पहले रॉ मटेरियल ग्रैन्यूल्स गोडाउन में रहेगा, उसके बाद में मिक्सर मशीन में जाएगा, बाद में हॉपर लोडर एक्सक्रूडर उसमें जाएगा और लिक्विड फॉर्म में हो जाएगा, उसके बाद में ड्रिपर पाइप में रहेगा, ड्रिपर इंसर्शन यूनिट में जाएगा, साइजर यूनिट में जाएगा, वैक्यूम में जाएगा, कूलिंग यूनिट में जाएगा, कूलिंग टैंक में, बाद में वाइंडिंग यूनिट में जाके उसका लैब में टेस्ट हो जाएगा। तो ये ड्रिप इरिगेशन जो पाइप है, ड्रिप पाइप, उसका जो प्रोडक्शन का फ्लो चार्ट है। स्प्रिंकलर का फ्लो चार्ट हम देखेंगे, अभी रॉ मटेरियल ग्रैन्यूल जो रहेगा उसके बाद में मिक्सर मशीन में जाएगा, हॉपर लोडर सेम जाएगा, एक्सक्रूडर के बाद में ही जो प्रोसेस थोड़ा चेंज होता है, स्प्रिंकलर पाइप बन जाएगा, उसके बाद में साइजर जो है, साइजर यूनिट एंड वैक्यूम टैंक उसमें जाएगा, जो साइज़ अलग अलग होते हैं वहाँ सेट कर सकते हैं उसमें, उसके बाद में ये पाइप तैयार हो जाएगा। कूलिंग टैंक उसके बाद में वो ठंडा हो जाएगा, उसमें कट ऑफ टेबल पे जाएगा, 6-6 मीटर का उसका साइज हम सेट करते हैं, उसमें कट हो जाएगा, उसके बाद में उसकी जो अटैचमेंट एक्सेसरीज होता है तो वो अटैचमेंट एक्सेसरीज उसका वेल्डिंग होगा, उसमें बंडल्स में पैकिंग हो जाएगा और बाद में लेबोरेटरी में टेस्टिंग जाएगा, टेस्टिंग के लिए जाएगा। ये स्प्रिंकलर का है। तो मैन पावर अप्रोक्सीमेट 20 लोगों का लगेगा, आपको ट्रेंड इंजीनियर एक लगेगा, सुपरवाइजर्स 2 लगेंगे, मेंटेनेंस स्टाफ फिटर्स 2 लगेंगे, मशीन ऑपरेटर्स 4 लगेंगे और इसके बाद में लैब असिस्टेंट हेल्पर्स आपको मैन पावर लगेगा। अभी लाइसेंस क्या लगेंगे इसके लिए हम चर्चा करेंगे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का लाइसेंस आपको लगेगा, DIC के थ्रू भी आप ले सकते हैं, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का भी आपको सर्टिफिकेशन लगेगा, आप जहां ये प्लांट मतलब तैयार कर रहे हैं उसका नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वहां से लगेगा, ये उसको लाइसेंसेस लगेंगे। अप्रोक्सीमेट उसका कॉस्ट कितना जाएगा ये हम देखेंगे। देखिए आपका अलग अलग है, इसमें लैंड कॉस्ट है, बिल्डिंग कॉस्ट है, प्लांट मशीनरीज। अभी इस केस में अगर ये कैपेसिटी का आपको प्रोडक्शन करना है तो अप्रोक्सीमेट उसमें जो कॉस्ट जाएगा वो हमने यहाँ चर्चा किया है। तो उसमें प्लांट एंड मशीनरी का 2.72 करोड़ का हमने किया है, 380 लाख का, मतलब 3.80 करोड़ का एक्चुअल इसमें प्रोडक्शन का जो हमको करना है, तो उसमें इतना इन्वेस्टमेंट लगेगा, वर्किंग कैपिटल भी हमने लिया है इसमें, तो अप्रोक्सीमेट 5 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर हम करते हैं तो आपको जो रिक्वायर्ड आपका जो प्रोडक्शन है जो हमने लिया था शुरू में कि 76,800 मीटर डेली प्रोडक्शन एंड 510 HDPE पाइप्स डेली का आपको यहाँ मिल सकता है, आप ये प्रोडक्शन प्लांट चालू कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और कुछ क्वेरीज हो तो इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।